आपके पास जिले की वैसे तो मशीनरी है, सारी रिपोर्ट आती है, तो उन बातों को तो मैं दोहराऊंगा अभी, और उन्हें क्या है क्या नहीं है सारी आपकी व्यवस्था वहां आपके पास रिपोर्ट आती है। कोरोना के साथ हमको जैसा आपने कहा, भारत सरकार ने कहा, WHO ने कहा है, कई मेडिकल जर्नल्स ने भी कहा है, उसके साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा, और ये लंबे समय तक चलने वाली बात है। इस संबंध में मैं आपको कुछ सुझाव प्रस्तुत करूंगा। इसके साथ आप ये देखें कि अपन जो भी आदेश जारी करें उसमें कंसिस्टेंसी हो, निरंतरता हो। ये नहीं कि अपन रेड जोन देख के ग्रीन जोन देख के करते हैं। आज जो ग्रीन जोन है वो कल रेड जोन हो सकता है, कल जो रेड जोन है वो ग्रीन जोन हो सकता है। और ये भी सही है कि अपने को आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करनी पड़े, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास इकोनॉमिक एक्सपर्ट की आपने एक कमेटी बना रखी है, उनके मेडिकल पर्सनल्स की सलाह लें, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की सलाह लें और उसके अनुसार कदम उठाएं। अपने यहाँ जो इनकम होती है वो मोस्टली जीएसटी से होती है, या शराब पर मिलने वाली एक्साइज से होती है, या ऑटोमोबाइल से होती है। तो हमारा अलवर ऑटोमोबाइल हब है, उसमें काफी प्रोटेक्शन होता है और वहां से बाहर भी जाते हैं अपने व्हीकल। तो जो तो ट्रांसपोर्ट का मैटर है उसमें ये सुनिश्चित करें कि जो ट्रांसपोर्ट एक जगह से चला जाए वो दूसरी जगह आराम से पहुंच जाए। ये नहीं कि एक जगह उसको कलेक्टर रोक ले, दूसरी जगह जाने दे, इसमें भी आप करें। जहां तक किसानों की बात है, किसानों की रबी की फसल तो अब बिकने के लिए मार्केट में आ गई है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है इस मंडी टैक्स की वजह से। तो इसको आप स्वयं देख रहे हैं, इसको आप सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर रबी की खरीफ की फसल के लिए हमको किसानों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके खाद बीज की भी से व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको अच्छी मात्रा में बिजली मिले और उनको कुछ सहायता भी हम दे सकें। ये मैं मानता हूं कि राज्य की स्थिति नहीं अच्छी नहीं है, पर फिर भी हम उनको बिजली की कुछ सहायता दे सकें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी, जब आप इकोनॉमिक गतिविधियां शुरू करेंगे तो आपको जब ये लेबर प्लान कर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। मैं जिस जिले से आता हूँ उसमें काफी उद्योगपति है, और उन उद्योगों में हमारे जिले के बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो व्हाइट कॉलर जॉब में जाता है। तब इस तरह की आपदा आ गई तो व्यक्ति घर की तरफ जाना चाहता है, उसमें से बहुत सारे लोग आएंगे। आपने व्यवस्था भी करी है, नरेगा का काम पंचायत राज के तहत अच्छा हो रहा, पर उनमें से जो लोग आएंगे उनमें से 90% लोग नरेगा में नहीं जाएंगे। तो उनका आप एक डेटाबेस तैयार करवाएं और उस डेटाबेस के अनुसार बहुत सारे लोग तो उनमें से वापिस चले जाएंगे, पर कुछ जो लोग यहाँ जो रहेंगे उनका डेटाबेस बना के उनके जो अनुसार जो काम हो वो आप उनको दिलवाने की चेष्टा करने की कोशिश करेंगे। जहां तक पानी की बात है, कंटीजेंसी प्लान में पहले दिए हैं कल्ला जी ने पैसे, उसमें काम भी हुए हैं, और अब और कंटीजेंसी प्लान में आप दें जिससे कि पेयजल की समस्या अपने यहाँ नहीं आ सके। नरेगा में पंचायत राज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर मेरे जिले की मैं कह सकता हूं कि जो भी प्रवासी आएंगे उसमें से कोई 5-4% तो नरेगा में काम कर लेंगे, पर बाकी जो व्हाइट कॉलर जॉब में है वो नरेगा का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि उनके लिए किसी तरह के काम की आप व्यवस्था करवाने की चेष्टा करें। जहां तक ये प्रवासी आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति उत्पन्न होगी, उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर अपना नहीं बिगड़े। और कोरोना के लिए हमको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, स्टेट में टेस्ट हमको ज्यादा करवाने पड़ेंगे, और टेस्ट ज्यादा करवाएंगे तो हम ज्यादा सुरक्षित रह सकेंगे। अगले आने वाले 2-3 दिन में टेस्ट चीन को एक्सीड कर जाएगा। चीन जहां से महामारी फैली थी वहां जितने मरीज थे उससे ज्यादा अपन चले जाएंगे। राज्य सरकार और भारत सरकार और सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। झुंझुनू जिले में मैं गाँव की बात कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये जो राशन के किट लेने की बात है वो नहीं लेना चाहता है। राशन के किट शहरों में तो अलबत्ता जरूर ले रहे होंगे लोग, पर गाँव में कोई नहीं लेना चाहता है। तो गाँव में लोग खुददार हैं, वो गाँव में तो अपने
एक्स्ट्रा भी गेहूं रखते हैं और किसी या बाजरा रखते हैं, माइलो रखते हैं, ज्वार रखते हैं, ये खत्म हो गए। तो उसमें जो लोग हैं उनको गांव में तो सिर्फ रोजगार मिल जाए और उनको खेती के लिए अच्छे खाद बीज मिल जाए, ये व्यवस्था आप करने की कष्ट करेंगे।